हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सपोर्ट। और टेक्नोलॉजी से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में जो है मैं इस तरीके से बहुत सारा टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियोज़ लेकर के आते रहता हूँ। तो इसको आप सबसे पहले पाने के लिए ये वाला बटन, ये रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा करके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये फ्री होता है दोस्तों। इसको आप सब्सक्राइब बटन को दबाने से क्या होता है कि जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कोई वीडियो आया है। और इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था मोबाइल हैंग क्यों होता है करके, तो उसी का दूसरा पार्ट बनाने जा रहा हूँ कि मोबाइल हैंग क्यों होता है, उसमें मैं बताया था। उसके बाद फिर मैं बोला था आपको कि मैं यानी मोबाइल हैंग होने से कैसे बचा जाए, तो उसके लिए आज ये वीडियो बनाने वाला हूँ। इसमें मैं बताया हूँ कि आपका मोबाइल हैंग होता है तो उससे आप कैसे बच सकते हैं। एक एप्लीकेशन के बारे में बताया हूँ, ये कोई क्लीनअप एप्लीकेशन नहीं है, कोई क्लीनर नहीं है, ये दूसरा ही एप्लीकेशन है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि आप अपने मोबाइल को हैंग होने से कैसे बचा सकते हैं। तो इसी प्रकार से और बहुत सारे वीडियोस मैं लेकर के आते रहता हूँ दोस्तों, तो उसको पाने के लिए इसको रेड बटन को दबा करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों चलिए आपको बताता हूँ कि आपका मोबाइल जो है हैंग होता है तो उससे आप कैसे बच सकते हैं। पिछले वीडियो में मैं बताया था कि हैंग क्यों होता है, चलिए एक बार फिर से बताता हूँ आपको। इसमें हैंग होने का मेन कारण जो होता है दोस्तों, आपकी मेमोरी में स्पेस कम होता है उसके कारण से हैंग होता है। और दूसरा कारण ये है कि कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो, जैसे कि ये CSE स्कैनर है या फिर अमेज़ॉन है, ये सब इंस्टॉल करते हो, तो उसको जब अनइंस्टॉल कर देते हो तो उसका फाइल जो है आपके मेमोरी कार्ड में रह जाता है, जैसे कि आपको दिखाता हूँ मैं इस तरीके से। जैसे कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो इस तरीके से उसका फाइल जो है बहुत सारा जमा होते जाता है, और एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करने के बाद भी ये फाइल रहता है, ये डिलीट नहीं हुए रहता है, ये सभी जमा होने के बाद हैंग होता है। फिर आप क्या करते हैं कि मोबाइल को जब रीसेट करते हैं तो रीसेट करने से ये सभी फाइलें जो है, जितना भी डाटा होता है आपके मोबाइल में, वो सभी डिलीट हो जाता है, जिसके कारण से मोबाइल हैंग होना बंद हो जाता है। फिर जैसे जैसे आप एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं वैसे वैसे फिर से भरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सभी आप रीसेट करने से बहुत सारा डाटा भी लॉस हो जाता है। तो रीसेट करने के बजाय एक और तरीका है, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ये ES फाइल एक्सप्लोरर नाम से एप्लीकेशन है। ये गूगल पे में भी मिल जाता है, लेकिन ये प्रो वर्ज़न जो है ये पेड है। तो फिर इसमें मैं प्रो वर्ज़न का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसमें से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले इसको ओपन करना है अगर आपका मोबाइल हैंग हो रहा है तो। उसके बाद जो है इसमें मेन्यू में जाना है, और इसमें ये टूल होता है, टूल में जाना है, और इसमें से सबसे पहले आपको रिसाइकल बिन का जो ऑप्शन होता है उसको डिसेबल कर देना है, ताकि आप डिलीट करोगे और रिसाइकल बिन में जा कर के जमा ना हो पाए, तो इसको डिसेबल कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, SD कार्ड एनालाइज का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, तो SD कार्ड एनालाइज में जा कर के इसको क्लिक करना है। उसके बाद ये सर्च कर रहा है कि कौन से फोल्डर में कितना डाटा अवेलेबल है, तो इस तरीके से ये सभी फोल्डरों का ये अपने हिसाब से अरेंज कर दिया है, ये घटते क्रम में अरेंज किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा यानी जो फोल्डर सबसे ज़्यादा भरा हुआ है वो सबसे ऊपर है, और सबसे खाली जो है वो सबसे नीचे है। तो इस तरीके से जो खाली फोल्डर है उसको आप सबसे पहले डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से ये सभी खाली फोल्डर है, इसमें देख लीजिए 1968 KB दिखा रहा है, मतलब ये इसमें कुछ हो सकता है, तो इतना को पहले डिलीट कर लेते हैं। इतना डिलीट कर लिया, उसके बाद जैसे कि सबसे ज़्यादा जो भरा हुआ है, जैसे कि ये सब मेरे काम का है तो इसको डिलीट नहीं करूँगा। जैसे आपका एंड्रॉयड हो गया, तो एंड्रॉयड देख लेते हैं, एंड्रॉयड में 33 MB का जो है क्या भरा हुआ है, तो ये देख लीजिए, ये इतना सारा फाइल जो है ये सभी एंड्रॉयड में भरा हुआ था, तो इसको आपको डिलीट कर लेना है। इस तरीके से आपको खोल करके देख लेना है, कुछ काम का तो नहीं है, इस तरीके से ये मेरे काम का नहीं है तो इसको डिलीट कर लेता हूँ। इस तरीके से आप इसको मैन्युअली डिलीट कर सकते हैं। रीसेट करते समय भी क्या होता है, ये सभी डिलीट होता है, इसको आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। इससे आपको मोबाइल का डाटा जो है लॉस नहीं होगा, एप्लीकेशन डिलीट नहीं होगा, इस तरीके से आप मोबाइल को हैंग होने से भी बचा सकते हैं। जैसे कि UC का जो है 108 KB दिखा रहा है, इसमें भी देख लेते हैं क्या क्या है, इसमें भी इस तरीके से बहुत सारा फाइल जमा हुआ है, ये सभी फाइल भी कोई
काम का नहीं है। इस तरीके से इसको भी डिलीट कर लेते हैं, इस तरीके से इसको डिलीट कर लेते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपको सभी फाइलों को डिलीट कर लेना है मैनुअली जा जा करके। इसमें आपको एनालाइज किया जा कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन सा फाइल में, इस तरीके से इसमें बहुत सारा ये खाली खाली है। ये देख लीजिए यहाँ पर दिखा रहा है इसका, इसमें कितना KB या फिर कितना बाइट होता है, तो इसमें 0 बाइट है, तो इसको डिलीट कर लेते हैं। इस तरीके से सभी को डिलीट कर लेते हैं। और आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन जैसे डिलीट करते हो, जैसे कि आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लो कोई भी एप्लीकेशन डिलीट करते हैं, जैसे कि ये GK इन हिंदी करके है एप्लीकेशन, इसको डिलीट करते हैं। उसके बाद डिलीट करने के बाद क्या करना है आपको, ये फाइल एक्सप्लोरर में जाना है और उसके बाद फिर से एनालाइज कर लेना है आपको। उसके बाद उसको ढूंढ लेना है कि कहाँ पर है वो, और उसका फोल्डर जो है डिलीट कर देना है। इस तरीके से इसमें से आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट तो आप अपने मेन फाइल एक्सप्लोरर से भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, ढूंढना बहुत पड़ता है और किसमें कौन सा फाइल है ये दिखाई नहीं देता है। इसमें आपको ओपनली दिखाई देता है, इसमें देख लीजिए इसमें कौन कौन सा फाइल कितना भरा हुआ है ये दिखा रहा है। वीडियोज़ में ये देख लीजिए वीडियोज़, तो जो मेरे काम का नहीं है, जैसे कि जिम को वीडियोज़ है, इस ये काम का नहीं, इसको डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से ये डिलीट हो जाता है, ये खाली फोल्डर इसमें से डिलीट कर सकते हैं। तो आपको बस इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इसमें मैनुअली आपको डिलीट करना है। इस प्रकार से दोस्तों इसमें बहुत सारा क्लीनअप एप्लीकेशन भी आता है, जिससे आप ये सभी को क्लीन कर सकते हैं। ये सब जो है जंक फाइल कहलाता है। जंक फाइल का मतलब यह होता है कि जो फाइल आपके काम का नहीं है, जिसको जैसे कोई एप्लीकेशन यूसी ब्राउज़र जैसे चला रहे हो, इसको अनइंस्टॉल कर देते हो, तो यूसी ब्राउज़र का जो भी फाइल बना रहेगा उसको रीड यूसी ब्राउज़र ही कर सकता है। तो उसको रीड करने के लिए जब यूसी ब्राउज़र नहीं रहेगा, तो वो जो फाइल जो बचेगा वो सब जंक फाइल कहलाएगा। तो इस प्रकार से जैसे क्लीनअप एप्लीकेशन होता है, वो सब जंक फाइलों को क्लियर करता है। लेकिन उससे क्या होता है कि उन लोग का खुद का इतना ज़्यादा फाइल बन जाता है, जिसके कारण से मोबाइल और ज़्यादा हैंग होने लग जाता है। तो इस प्रकार से आप ES फाइल एक्सप्लोरर की मदद से आप आसानी से इसको मैनुअली डिलीट कर सकते हैं, और इससे कोई आपका फाइल नहीं जमा होगा, इससे आपको बहुत लाभ होगा और आपका मोबाइल फास्ट काम करने लग जाएगा। दूसरा बात का ये ध्यान रखना है दोस्तों आपको, कि आपका जो मोबाइल है उसमें इंटरनल मेमोरी जो है वो कम से कम 1 से 2 GB खाली होना चाहिए। जब तक खाली नहीं रहेगा इंटरनल मेमोरी, तब मोबाइल हैंग होगा ही होगा, चाहे कितना भी क्लियर कर लो, हैंग होगा ही होगा। तो ये इंटरनल मेमोरी को खाली रखें, तो इस तरीके से अपने मोबाइल को आप हैंग होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।